हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत और आप सबका गीत किचन में स्वागत है। आज हम दिवाली स्पेशल रेसिपी में दाल चावल मिक्स चकली बनाएंगे। चकली सभी को बहुत पसंद आती है और इसे भी आप महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चावल का आटा लिया है, 50 से 60 ग्राम पोहा लेंगे, 100 ग्राम धुली हुई मूँग की दाल, 50 ग्राम चने की दाल, 50 ग्राम उड़द दाल लेंगे। मसालों में 2 बड़े चम्मच मिर्ची पाउडर लेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच जीरा, 3 से 4 बड़े चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल, 2 छोटे चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1/4 छोटा चम्मच हींग, 4 बड़े चम्मच तेल लेंगे और 2.5 कप या करीब 350 ml पानी लेना है। चकली के लिए चावल का आटा बनाने के लिए 200 ग्राम मोटा चावल ले लें। इसके लिए हमें मोटा चावल लगेगा। चावल को पहले धोकर धूप में सुखा लें, फिर इसे पीस लें और इसे छानकर इसका आटा बनाकर तैयार कर लें। अब हम चकली बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में तीनों दालों को और पोहे को सेक कर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले इसमें मूँग की दाल, चने की दाल और उड़द की दाल को सेकेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम में करीब 2 मिनट के लिए सेकना है। जब इसमें हल्का सुनहरा कलर आने लगे, इसे निकाल कर अलग रख दें। अब इसी कढ़ाई में पोहे को भी सेक कर तैयार कर लें। पोहे को भी हमें मीडियम फ्लेम में करीब 1/2 मिनट के लिए सेकना है। जब ये अच्छे से सीक कर क्रिस्पी हो जाए, इसे निकाल लें। दाल और पोहे को सेक लेने के बाद इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये थोड़े ठंडे हो जाए, इसे मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लें। सभी दालों को और पोहे को मिक्सी में पीस लेने के बाद मैंने इसे छानकर इसका आटा बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब एक कढ़ाई में 2.5 कप या करीब 350 ml पानी गर्म करेंगे। यहाँ पर पानी का नाप सही रखें। जब पानी में हल्का उबालना शुरू हो जाए, इसमें एक एक करके सभी मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 छोटे चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, हींग पाउडर ऐड करेंगे, 2 बड़े चम्मच मिर्ची पाउडर, 3 से 4 बड़े चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ ही जीरा और सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। अब इसमें 4 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। इतनी चीज़ें ऐड कर लेने के बाद इसे एक बार मिला लें। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी इसमें मिला लेंगे। मसालों को पानी में मिला लेने के बाद अब इसमें दाल और पोहे का आटा ऐड करेंगे। फ्लेम को इस वक्त स्लो में रखना है। दाल और पोहे का आटा ऐड कर लेने के बाद इसे बिल्कुल धीमी आंच में लगातार चलाते हुए मिला लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें चावल का आटा ऐड करें और इसे भी बिल्कुल धीमी आंच में लगातार चलाते हुए मिला लें। चकली के लिए डो तैयार करते समय पानी की क्वांटिटी बिल्कुल सही रखें। इसमें पानी ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। इसे मिलाने में मुझे करीब 3 से 4 मिनट का समय लगा है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे गैस से नीचे उतार कर इसे कवर करके करीब 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर इसे एक बार फिर से मिला लें। मिक्सचर अभी गर्म है तो पहले इसे चम्मच से मिला लें और फिर इसे हाथों से मसल कर तैयार कर लें। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। चकली के लिए हमें इतना ही थिक मिक्सचर बनाकर तैयार करना है। यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखें कि यदि मिक्सचर ज़्यादा ड्राई और थिक होगा तो चकलियाँ सांचे से निकालते समय टूटेगी, और यदि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा और यह ज़्यादा नरम होगा तो फ्राई करते समय चकलियाँ टूटेगी। चकली के लिए मिश्रण तैयार कर लेने के बाद अब हम सांचे में तेल लगाएंगे और इसकी जाली में भी तेल लगा लेंगे। अब इसमें चकली का मिश्रण भरकर इसे बंद करके तैयार कर लेंगे। चकली बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी थाली या प्लेट को इस तरीके से पलट लें
और फिर इसके दूसरी साइड में इस तरीके से चकली बनाकर तैयार कर लें। ऐसा करने से चकलियों को उठाने में आसानी होगी। चकली बना लेने के बाद इसे हल्के हाथों से दबा लें, जिससे कि ये फ्राई करते समय खुलेगी नहीं। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि यदि मिक्सचर ज़्यादा ड्राई होकर थिक हो गया हो और चकलियाँ निकालते समय ये टूट रही हो, तो मिक्सचर में 1 या 2 बड़े चम्मच पानी ऐड कर लें और इसे दोबारा से मसल कर तैयार कर लें। और इसी तरह यदि मिक्सचर ज़्यादा सॉफ्ट हो गया हो तो इसे धीमी आँच में 3 से 4 मिनट के लिए और पका लें और इसे सही कर लें। इसी तरीके से मैंने 10 से 12 चकली बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम में गरम करना है। तेल जब अच्छा गरम हो जाए, इसमें एक एक करके चकलियाँ डालें। चकली को इस तरीके से थाली से सरकाते हुए हाथों में उठा लें और फिर इसे गर्म तेल में डालें। तेल में डालते समय फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखें और इसे फ्राई करते समय फ्लेम को मीडियम में कर लें। चकलियों को तेल में डाल लेने के बाद जब ये फ्राई होकर तेल के ऊपर आ जाए, इसे पलट लें और इसे थोड़ी थोड़ी देर में पलटते हुए फ्राई कर लें। इसे हमें इसी तरीके से चम्मच से हिलाते रहना है, जिससे कि चकली जले ना। इसे फ्राई होने में करीब 2 से 2.5 मिनट का ही समय लगेगा। जब चकली में हल्का सुनहरा कलर आने लगे और ये अच्छी क्रिस्प हो जाए, इसे निकाल लें और इसी तरीके से सारी चकलियों को फ्राई करके तैयार कर लें। चकली बनाना बहुत आसान है, बस इसकी तैयारी में थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप बताए गए बातों को फॉलो करेंगे तो आपकी चकली बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। इस दिवाली में इसे आप ज़रूर बनाइए। चकलियों को फ्राई कर लेने के बाद इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दें। जब ये ठंडी हो जाए तब इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर स्टोर कर लें। इसे आप महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसे आप शाम की चाय के साथ सर्व करें या फिर सफ़र में ले जाएं, ये सभी को बहुत पसंद आती है। इसे ज़रूर बनाइए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।